सोराव थाना क्षेत्र में गुरुवार भोर में डकैती की योजना बनाते समय अंतर्राज्यीय दुर्दांत नबला खरवार गैंग के बदमाशों से पुलिस मुठभेड़ में 8 सदस्य गिरफ्तार हो गए। पुलिस अधीक्षक गंगापा अभिषेक कुमार अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार भोर में सोराव थाने की पुलिस टीम से अपराधियों की मुठभेड़ हुई है। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस टीम पहले से ही किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार थी। पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान अथक प्रयास करके उक्त टीम ने खरवार गैंग के सरगना समेत 8 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। पुलिस टीम ने बदमाशों के कब्जे से सरिया, सबल, पेचकस, हथौड़ा तथा असलाह कारतूस बरामद किया है। गिरोह के सदस्य रेकी करने के बाद बदमाश डकैती, हत्या और आगजनी जैसी वीभत्स घटना को अंजाम दे सकते थे। मुस्तैदी और हिकमत अमली से बड़ी घटना होने से रोकने में पुलिस विभाग कामयाब हो गए। देखिए, अभी पिछले विगत दिनों में कुछ घटनाएं यहाँ हुई हैं, इसमें सामूहिक हत्याएं भी हुई हैं और पहले भी विगत वर्षों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसी क्रम में हमारी पुलिस, जब से घटनाएं हुई थरवई और पाकुड़ की, उसके बाद से हम लोग सब एक्टिव रहते हैं। पूरी रात DSP भी, HSP भी और थाना अध्यक्ष चौकी, सभी लोग एक्टिव रहते हैं। तो कल सुराव की बात है, सुराव में बनकट हाईवे के पास एक गाँव है, उसके पास जो इंस्पेक्टर वहाँ के उसमें गश्त में थे, तब इनको सूचना मिली कि वहाँ बाग में कुछ लोग इकट्ठे हैं। इनको पता चला तो ये गए और वहाँ इन्होंने जब ललकारा तो उधर से वो लोग पता चला कि वहाँ कुछ लोग हैं, ललकारा, उधर से फायर भी हुए। फिर इन्होंने भी सब पूरा घेराबंदी करके उसमें 8 लोग इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। और ये सभी लोग खरवार गैंग, जो अभी विगत दिनों में हम लोगों ने जेल भेजा है, उनके रिलेटिव हैं और उनके गाँव के भी रहने वाले रिलेटिव भी हैं, और इसमें कुछ लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। बाकी लोगों के बारे में हम लोग अभी आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे हैं। ये इंटर स्टेट गैंग है, पहले जाते हैं और उसके बाद रेकी करेंगे और देखेंगे गांव के बाहर का कोई आउट स्कर्ट का कोई घर है, उस पर लोग फिर धाव बोलते हैं रात में। और फिर विगत जी घटनाएं हुई हैं, आप अवगत हैं उस तरीके से इनकी एक्टिविटी है। तो इनकी आपराधिक इतिहास हम लोग अभी जानकारी कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि पुलिस प्रोएक्टिवली अब काम करे और ऐसी घटनाएँ दोबारा ना हो। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक गंगापा अभिषेक कुमार अग्रवाल ने बताया कि दुर्दांत बदमाशों से पूछताछ जारी है। वो किसे नहीं करते हो?